हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं, जैसे अपने क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट के लोक सेवा केंद्र में जाकर निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसका एक पंजीयन क्रमांक मिलता है जो एक पर्ची में रहता है, यानी स्लिप में रहता है। तो वह अपने मोबाइल से उस पंजीयन क्रमांक से सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करोगे, तो चलिए मैं आज यही बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल से खुद डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। उसके लिए कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे क्रोम या गूगल, और सर्च करना है एमपी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ एमपी लोक सेवा पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से मोबाइल में ओपन होगा यह ब्राउज़र। तो आपको यहाँ पे आ जाना है आवेदन की स्थिति जाने में क्लिक करना है। इसके बाद जो आप नया आय जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो वह पंजीयन क्रमांक पर टिक रहने देना है यहाँ पे। और अगर मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं। और जिसका पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है और उसका दोबारा प्रिंट करना है तो यहाँ पे टिक लगा के यहाँ पंजीयन क्रमांक डालना होता है। पंजीयन क्रमांक कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजीयन क्रमांक इस प्रकार से होता है, तो हमको ये पंजीयन क्रमांक डालना होता है, तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ पे हमको पंजीयन क्रमांक डालना है, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। और यहाँ पे कैप्चा अगर समझ में नहीं आता है आपको तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ चेंज हो जाएगा। खोजे में क्लिक करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, जानकारी, आवेदन की जानकारी यहाँ पे आ जाना है। देख सकते हैं पंजीयन क्रमांक दिखाने लग गया है। इसके बाद आप यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र विवरण। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर अभिस्वीकृति है, संलग्न है, प्रमाण पत्र आदेश, प्रमाण पत्र आदेश में क्लिक करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रमाण पत्र, चाहे आय प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसे प्रिंट करके आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे पीडीएफ में क्लिक करना है और वह जहाँ पे सेव करना रहेगा वहाँ सेव कर लेना है। मुझे डाउनलोड पे सेव करना है तो यहाँ सेव मैं कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आय प्रमाण पत्र हो, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएँ, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।